हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट पुडिंग। बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी पुडिंग लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ओरियो चॉकलेट पुडिंग। सबसे पहले हम एक पैकेट लिए, मैंने बिस्किट लिए हैं ओरियो के। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट वाले बिस्किट इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमें बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में हम डाल देंगे इस तरह से, और हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। आप जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लें, और ये देखिए पाउडर बन के तैयार है। अब हम इसको साइड रख देते हैं। एक भगोना लेंगे और भगोने में हम डालेंगे आधा कप शुगर, 1/4 कप कोको पाउडर। ये हम चॉकलेट सिरप बना रहे हैं, और 1 कप मिल्क। इसको अच्छे से मिलाएं। एक विस्क ले लें, विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिला लें ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। इस तरह से मिला के, और अब हमें इसे, ये देखिए अच्छे से एकदम पक मिल गया है। अब हमें इसे पकाना है। पकाने से पहले हम इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और फिर से मिला देंगे। गैस में चढ़ा दें और इसे उबाल आने तक हमें पकाना है। बीच बीच में हिलाते रहें। अब हम कस्टर्ड बनाने के लिए, चॉकलेट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप कॉर्नफ्लोर, और इसको हम दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। एकदम पतला लिक्विड जैसा बनाना है इसको, कॉर्नफ्लोर को हमें। ये देखिए पतला सा बन गया है। अब हम इसको ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप में। ये देखिए हमारे चॉकलेट सिरप में उबाल आ गया है। अब हम एक बार हिला लेते हैं और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड करें, क्योंकि कभी क्या होता है अचानक से ज़्यादा पड़ जाता है। बस जितना मैंने डाला, ये मैंने आधा डाला है जितनी कटोरी में बनाया था, देखिए तब भी गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें इसको पतला करने के लिए मैं इसमें डालूँगी दूध। ये मैंने 1/4 कप दूध मिलाया है। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अभी इसमें उबाल आएगा, अभी ये पकेगा थोड़ा सा। और इसको हिलाते, मतलब किसी विस्क की मदद से आप हिलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके भी नहीं और इसमें लम्स ना पड़े। और उबाल आएगा ही क्योंकि हाई फ्लेम पर है। ये देखिए उबाल आने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने जो एक ओरियो का पाउडर बनाया था, इससे 2 से 3 चम्मच हम डेकोरेशन के लिए निकाल लेंगे अलग। और इस पे अब मैं ऐड करूँगी बटर, मेल्टेड मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर देंगे। हमें इसका भी एक पेस्ट जैसा बनाना है, तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे मैं थोड़ा बटर और डालूँगी। जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना बटर डालें ओरियो बिस्किट के हिसाब से, जितना पाउडर में लगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमारा चॉकलेट सिरप अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। इसको देखिए, इसके ऊपर जो मलाई पड़ गई है उसको हम मिला लेते हैं। किसी स्पून की मदद से या विस्क की मदद से आप इसको ऐसे फेंट सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, आप चाहें तो नॉर्मल चॉकलेट जो बाज़ार में मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने ये डाल दी है। और हिलाते रहें, हिलाने से चॉकलेट मेल्ट जल्दी होगी और एक जगह जमेगी नहीं। इस तरह से आप इसको मिलाते रहें। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, और अब हम इसे एक बाउल में पलट के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट पाउडर। एक्चुअली हम 2 तरह की पुडिंग बनाएंगे, अचानक से मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो एक कोकोनट पाउडर है, ये लगभग 3 से 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, पीसी हुई शुगर पाउडर, और 1 टेबल स्पून बटर। इसको भी हमें जैसे हमने ओरियो पाउडर का पेस्ट बनाया था, सेम हमें कोकोनट का भी वैसा ही पेस्ट बनाना है।
इसको देखिए इस तरह से मिला लें अच्छे से, इसको भी साइड रख लेते हैं। और हमारी चॉकलेट कस्टर्ड एकदम ठंडा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा ग्लास लिया है, इसमें डालेंगे हम ओरियो पाउडर, इसको हम अच्छे से पुश कर देंगे नीचे, यानी कि दबा देंगे अच्छे से। इस तरह से चम्मच की मदद से आप घुमाते हुए दबा दें। इसके ऊपर हम डालेंगे अब चॉकलेट कस्टर्ड, दो टेबल स्पून। इस तरह से अब एक लेयर हम और डालेंगे ओरियो पाउडर की, इसको ऐसे फैला लें। हाँ, एक चम्मच और। इसको भी ऐसे दबा लें। और मैं इसमें क्रंचीनेस लाने के लिए अखरोट डालूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकती हैं, या ना चाहें तो ना भी ना डालें, ये एकदम ऑप्शनल है। लेकिन थोड़ा सा क्रंच आएगा अखरोट, इसलिए मैंने अखरोट डाला है। इस तरह से इसको सेट कर लें। और इसके ऊपर हम फिर से पोर करेंगे चॉकलेट कस्टर्ड। इस तरह से बहुत आराम से, गिरे नहीं। और अब ये देखिए सेट हो गया है। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में मिनिमम 2 घंटे के लिए फ्रिज में इसको रखना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम कोकोनट की पुडिंग बनाएंगे कोकोनट के साथ। मैंने यहाँ पे 2 बाउल लिए हैं, जिसमें मैं 1 लेयर डालूँगी कोकोनट की, और इसको अच्छे से पुश करके सेट कर देंगे। दूसरे में भी डाल लेंगे। इस तरह से आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं, जैसा आपको चाहिए हो। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ओरियो पाउडर की 1 लेयर। इस तरह से एक अच्छी लेयर आप इसके ऊपर सेट कर दें, इसको भी दबाते हुए इस तरह से। दोनों में हमने कर लिया है, अच्छे से दबा दें, ताकि जो हम चॉकलेट कस्टर्ड डालें वो अंदर ना जाए। फिर से 1 लेयर हम डालेंगे कोकोनट की। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बीच में, जब एक कोकोनट मुंह में आता है। सेम दूसरे बाउल में भी हम कोकोनट डाल लेंगे। इसके ऊपर अब पोर करेंगे चॉकलेट कस्टर्ड। इस तरह से दोनों बाउल में पोर कर लेंगे चॉकलेट कस्टर्ड। अब इसके डेकोरेशन के लिए मैंने चॉकलेट, डार्क चॉकलेट थी मेरे पास रखी थी, तो मैंने उसको क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है कद्दूकस में। इसमें कुछ नहीं करना, आप कद्दूकस लें और ठंडी चॉकलेट को ग्रेट कर लें। इस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है अगर आप कोई चीज़ सजा दें। हाफ पार्ट में मैं चॉकलेट और हाफ पार्ट में मैं चोको चिप्स, मेरे पास थे, मैंने वो डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें ना डालें। इस तरह हमने दोनों सजा लिया। अब दोनों को सेट होने के लिए मिनिमम 2 आवर्स के लिए हमें फ्रीज़र में रखना है। और देखिए 2 घंटे हो गए हैं। अब जो हमने पहले पुडिंग बनाई थी वो सेट हो चुकी है। उसके ऊपर मैं डालूँगी ये ओरियो पाउडर है, जिसको हमने पीसा था और मैंने निकाल के रखा था अलग से। और इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल देते हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए एकदम बाजार जैसा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।